एक कप सूजी से इस तरह से हेल्दी नाश्ता बनाइए दोस्तों, बिना तेल के नाश्ता बनने वाला है। बच्चों के टिफिन से लेके ब्रेकफास्ट तक ये रेसिपी है, सुबह के नाश्ता में भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ये बारीक हो या मोटा कोई भी सूजी ले सकते हैं। एक कप सूजी और हाफ कप दही एक बाउल में मिक्स करना है और उसी कप से एक कप पानी डालना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा एक ही कप का माप है, एक कप सूजी, हाफ कप दही और एक कप पानी, इन सबको मिक्स कर देना है। अब इसमें पानी डालने का कोई जरूरत नहीं होगा, माप का मेजरमेंट सही है दोस्तों। तो इस तरह से अब इसे ढक दीजिए मिक्स करके 2 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों 2 मिनट हो गया है, 2 मिनट बाद में इसे खोल के दिखा रही हूँ। देखिए सूजी बढ़िया से पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, फूल गया है सूजी। अब इसको बड़ा वाला ग्राइंडर जार लेना है, इसमें डाल करके इसे ग्राइंड कर लेना है, स्मूथ बैटर की तरह इसे पीसना होगा। तो एकदम स्मूथ पहले बना लेना है, फिर अगला प्रोसेस के लिए बने रहिए वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों इसे बढ़िया से स्मूथ पीस लेने के बाद में आगे मैं बताती हूँ कि कैसे बनेगी ये रेसिपी। तो देखिए एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब इसको उसी मिक्सर बाउल में डालना है डाल करके, और इसमें क्या क्या अब इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे आप लोग वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। वीडियो को बीच में स्किप ना कीजिएगा, आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब इसमें डालना है नमक स्वाद अनुसार, आपको जिस हिसाब से नमक पसंद हो। अब इसको मिक्स कर लेना है दोस्तों। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे रोज का वीडियो आप लोग तक पहुंचे और आप लोग हमारी रेसिपी देख पाए। अब इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर 1 स्पून, हाफ स्पून चिली फ्लेक्स, काला नमक हाफ स्पून से भी कम थोड़ा सा, और इन सबको डाल देने के बाद में दोस्तों पहले मिक्स कर देना है। पहले बढ़िया से मिक्स कर लेने के बाद में वीडियो पे बने रहिए। अब इसको किस तरह से बढ़िया से बनाएंगे, कैसे फूला फूला बनेगा सब मैं बताती हूँ आगे चल के। पहले इसमें डाल देना है एक टमाटर बारीक कटिंग किया हुआ। अब इन टमाटर को भी मिक्स कर देना है बढ़िया से, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद इसमें अगला प्रोसेस के लिए बने रहिए दोस्तों। अभी इस बैटर को साइड में रखना है और बैटर का थिकनेस देख लिए हैं आप लोग कि किस तरह से थिक होना चाहिए। अब 4 कटोरी लेना है, 4 कटोरियां इस तरह से अंदर से चिकना होना चाहिए दोस्तों। कोई भी डिजाइन के कटोरी लें लेकिन अंदर से चिकना होना चाहिए, प्लेन बिल्कुल। अब इसमें ऑयल ग्रीस करके और चारों तरफ से पेंदी में भी 4 कटोरियां तैयार कर लेना है। 4 कटोरियां में बढ़िया से तेल ग्रीस हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस पे बताती हूँ दोस्तों। अब चलिए बैटर की तरफ। अब देखिए इस तरह से बैटर फूल भी गया बढ़िया से। अब डालना है थोड़ा सा, एक हल्का सा बड़ा स्पून है खाना खाने वाला, उससे डालना है इनो जिसको फ्रूट साल्ट बोलते हैं। अब इसको भी मिक्स कर देना है बढ़िया से। मिक्स करने के बाद में देखिए किस तरह से झाग बन गया। अब इस नाश्ता को बनाने में कोई मेहनत नहीं दिखेगा दोस्तों, अगर आपके पास इनो नहीं होगा तो इसके जगह 2 पिंच मीठा सोडा डाल सकते हैं। अब इन 4 कटोरियां में आधा आधा कटोरी हाफ हाफ कटोरी करके भर देना है, हाफ हाफ कटोरी सेट करना है जिसे फुल करके ऊपर तक आए। इसमें पूरा भर के सेट नहीं कीजिएगा क्योंकि पकने के बाद बढ़िया फूलता है इस रेसिपी ये नाश्ता। तो देखिए दोस्तों 1 कटोरी सूजी से 4 कटोरी नाश्ता तैयार होने वाला है। आप लोग अगर 4 परिवार हैं तो आराम से नाश्ता बन जाएगा और बच्चों के टिफिन के लिए 100% सही है दोस्तों, बहुत बढ़िया पसंद करते हैं बच्चे। अगर शाम में इस तरह से बढ़िया से बना करके रख देंगे तो सुबह में भागदौड़ में बच्चों के टिफिन में डालकर भेज सकते हैं। देखिए दोस्तों अब इधर कढ़ाई में पानी भी गर्म हो गया है, पानी 2 गिलास के अंदाज कढ़ाई में डालिएगा और एक स्टैंड लगा देना है, पानी उबाल आ जाएगा। उसके बाद 4 कटोरियां सेट कर देना है, 4 कटोरियां सेट हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर से हल्का सा लगा देना है कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ता का स्वाद तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। तो ये बिना तेल के नाश्ता है इसलिए मैं कढ़ी पत्ता के तड़का नहीं डालूंगी, कढ़ी पत्ता ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि कढ़ी पत्ता जब पकता है ना तो स्वाद बहुत खास लगता है। तो इस तरह से चारों में कढ़ी पत्ता लग जाएगा।
फिर इसका ऊपर से हल्का सा लुक बढ़िया बनाने के लिए और मैं इस पे क्या लगाती हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। तो इस तरह से पत्ता लगाने से इसका डिजाइन लग रहा है ना खास। अब ऊपर से हल्का सा और गार्निश कर देना है मिर्चा पाउडर। मिर्चा पाउडर से थोड़ा तीखी चटपटी भी हो जाएगी रेसिपी और थोड़ा सा डिजाइन भी बढ़िया सा लगेगा, खास लगेगा दोस्तों। अब इसको ढक्कन बंद करके पकाना है 6 से 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट 9 मिनट पकाइएगा, इससे ज्यादा नहीं। अब इस तरह से ढक्कन कवर करके 9 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। अब देखिए 9 मिनट हुआ है इसको पकते हुए, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है इसका डिजाइन। अभी 1 मिनट और पका देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं पहुंचेगी जिससे ऊपर से क्रैक्स आ जाए। तो कुल टोटल 10 मिनट पक गया है। अब इसको चारों कटोरियों को निकाल कर बाहर रखना है। चारों कटोरियां निकल जाएगा, उसके बाद के प्रोसेस देखिए दोस्तों कि किस तरह से इजी तरीका से निकल जाएगा कटोरी से बाहर और इसका डिजाइन कितना खास लगता है। तो देखिए दोस्तों कितना टेस्टी हेल्दी नाश्ता हुआ तैयार। अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हमें भी खुशी मिले। तो देखिए इस तरह से चारों कटोरियां का किनारी एक चाकू के मदद से इस तरह से कर देना है। अब इसे ठोक करके निकाल देना है। तो इस तरह से हल्के हाथों से ठोक ठोक करके चारों कटोरियां निकाल देना है दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया मस्त इसका जाली बना है, इतना जबरदस्त ये नाश्ता लगता है दोस्तों कि आप लोग तो इसका डिजाइन और लुक देख ही रहे हैं कितना खास लग रहा है। ये बिना तेल वाली नाश्ता इतना ज्यादा लोग पसंद करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए। और बहुत ज्यादा चटपटी सी है, गर्मा गर्म इसे आप कोई भी चटनी के साथ खाइए, दही के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी नाश्ता अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फेसबुक प्रोफाइल पर वीडियो देखते होंगे दोस्तों तो फॉलो कीजिएगा। तो इस तरह के अनोखी रेसिपी आप लोग बनाइए, सब लोग पसंद करेंगे और सुबह काम करते करते इस रेसिपी को बना सकते हैं, आपका काम भी हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया क्रैक्स आ गया है, आपका काम भी हो जाएगा दोस्तों और बच्चों का टिफिन भी हो जाएगा तैयार। अब इसको इस तरह से कटिंग करके बच्चों के टिफिन में डाल सकते हैं, सॉस के साथ भी बच्चे बहुत मन से खाते हैं इस रेसिपी को, टोमेटो केचप के साथ, ऐसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।